नमस्कार, मैं संचिता बैनर्जी हूँ, कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, ये पिक्चर निरोबा हिंदुस्तानी 2 तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है एंड फर्स्ट भोजपुरी पिक्चर है। फर्स्ट मैंने एंट्री किया भोजपुरी इंडस्ट्री में एंड दिनेश लाल यादव के वेरी नाइस एक्सपीरियंस। दिनेश जी तो एज ए गुड ह्यूमन बींग है एंड बहुत अच्छे एक्टर है, जो मुझे बहुत हर चीज़ों से सपोर्ट किया है उन्होंने। एंड मैं जब कोलकाता से जब आई थी तो यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। पहले मैंने पिक्चर के लिए बहुत स्ट्रगल करती थी, बट उसके बाद जब पिक्चरें नहीं मिलती थी तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया, क्योंकि मैं कलकत्ता में मॉडलिंग करती थी एंड मैं मिस कलकत्ता रह चुकी हूँ, तो उसके जो प्रोफाइल्स है तो इसके वजह से मुझे बॉम्बे में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम मिल गया। एंड मैंने जब मॉडलिंग के लिए स्टार्ट किया तो मैंने सीरियल किया, सीरियल जमाई राजा जी टीवी के लिए एंड दिल दोस्ती डांस चैनल वी के लिए। इसके बाद मैं मॉडलिंग में खुश हूँ एंड मॉडलिंग लाइफ टाइम मैं करती रहूँगी। तो उसके बाद मुझे मूवी मिली हिंदी मूवी, तो मैं उसके जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है उन्होंने मुझे ये भोजपुरी के बारे में बताया जो पिक्चर करोगे। तो मैंने कहा ओके, मेरे को भोजपुरी नहीं आती है। तो उन्होंने कहा नहीं, भोजपुरी नहीं बोलनी है आपको, हिंदी बोलनी है। तो मैं फिर डायरेक्टर इन लोगों से मिलने गई, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो मुझे स्टोरी सुन के बहुत अच्छी लगी। और उसके पहले मुझे बोला गया था जो दिनेश लाल यादव मतलब निरोबा जी है इस पिक्चर में, बहुत बड़ी सुपरस्टार है, उसके ऑपोजिट में मेन हीरोइन हो। तो मैंने कहा ओके, तो उनके बारे में मैंने जब लोगों को पूछा तो बहुत नोन मतलब बहुत फेमस एक्टर है, बहुत फेमस हीरो है एंड मैंने उनको खुद यूट्यूब में काफ़ी बार देख चुकी हूँ। फिर मैं थोड़ी सी डरी हुई थी, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने जा रही हूँ, मतलब मैं काम कर पाऊँगी क्या। तो इस बहुत अच्छा है, मतलब लाइक कभी ऐसा फील नहीं करवाया जो उन्होंने, इतना बड़े सुपरस्टार है। एक एक सीन देती थी तो मैं पूछती थी सर ठीक है, बोले बहुत अच्छा किया आपने, जो एक सपोर्ट मिला है मुझे इस पिक्चर से, मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सपोर्ट बहुत कुछ मिला है इस पिक्चर से। भोजपुरी पिक्चर में काम करके अनुभव रहा जो मुझे अच्छे अच्छे एक्टर के साथ काम करने के लिए मौका मिला, जैसे किरण मैम है, प्रकाश जी है, संजय पांडे, रितु पांडे, सब लोग बहुत सपोर्ट किया है। अमृतपाली के साथ जो मैंने एक एक सीन किया है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहा है हम लोगों का। आगे तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, ऑब्वियसली अच्छी स्टोरी रहेगी, ऑब्वियसली मैं करूँगी, और अभी फ़िलहाल मैं इस बारे में नहीं सोचा है। डायरेक्टर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है, लाइक एक टेक में कभी उनका ओके नहीं होता है, वो जब तक वो परफेक्ट शॉट नहीं मिलता है तब तक ओके नहीं करते। इसके लिए एक्टर के लिए बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है डायरेक्टर से। जब भी कुछ उनको सीन चाहिए था वो निकाल ही लेते थे, वो छोड़ते नहीं थे, तो इसके वजह से हम अच्छे काम कर पाते हैं अच्छे डायरेक्टर के साथ एंड प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे हैं। ऑडियंस को चाहूँगी आप प्लीज़ आइए इस पिक्चर को अच्छे से देखिए, आप अपने फैमिली को लेके आ सकते हैं, आप अपने सबको दिखा सकते हैं। इट्स ए वेरी एंटरटेनिंग मूवी एंड वेरी फैमिली ओरिएंटेड मूवी है, इमोशनल है, आप लोग बहुत इंजॉय करोगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। प्लीज़ आइए, आप लोगों को प्यार, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे, दीजिए। Planet Bhojpuri.